देखें यहाँ पर मैंने फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस किया है तो जवेरिया फिनलैंड में कोई स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं है वहाँ पे एक स्टूडेंट की चॉइस है कि वो सेकेंडरी लेवल पर एग्जाम देना चाहता है या नहीं देना चाहता अगर मैं उस सिस्टम को अपने सिस्टम के साथ कंपेयर करूँ तो या मैं एक सादा सी मिसाल से स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करूँ तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे मेट्रिक सिस्टम है तो वहां पर मैट्रिक तक कोई एग्जाम नहीं लिया जाता मैट्रिक लेवल पे आके स्टूडेंट को एक चॉइस दी जाती है कि वो मैट्रिक स्टैंडर्ड का एग्जाम देना चाहता है या नहीं देना चाहता वहां पे एक स्टूडेंट का प्रोफाइल बिल्ड किया जाता है उस प्रोफाइल में उस स्टूडेंट की स्ट्रेंथ्स को उसकी पर्सनालिटी टाइप को उसके टैलेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और साथ साथ उसकी वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको एक ऐसा कंड एनवामेंट दिया जाता है कि वो अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदल सके लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक स्टूडेंट की काबिलियत एक स्टूडेंट के टैलेंट को मार्क्स के साथ गेज किया जाता है कि वो कितने ग्रेड्स ले रहा है कितने मार्क्स ले रहा है